वेलकम दोस्तों, मैं होटकुट जितेंद्र आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि अगर पत्नी और पति का रिश्ता बिगड़ने की कगार के ऊपर है और इस सिचुएशन में पत्नी पति को बार बार धमकी देती है, वो कई तरह की धमकी देती है, केस करने की धमकी देती है, मरने मारने की धमकी देती है, तो यहाँ पे अगर वो धमकी दे रही है, बार बार मेंटली हरासमेंट कर रही है, टॉर्चर कर रही है, तो यहाँ पे पति को कौन सी स्टेप अपनानी चाहिए जिससे वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ में नहीं होने वाली है। तो एक एडवोकेट होने के नाते ये लीगल एडवाइज मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो आपको देखना है और पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए और लोग को भी जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हम उसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे पहले पति को क्या करना चाहिए, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, पत्नी बार बार धमकी देती है, तो पति को ये स्टेप अपनानी चाहिए कि किसी भी जरिए से उसकी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए या फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। अगर वो कॉल के ऊपर धमकी दे रही है तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए, किसी भी जरिए से वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिए। आजकल जैसे पेन के अंदर भी कैमरे आते हैं, तो अगर आप फेस टू फेस उससे मिल रहे हैं और वो फेस टू फेस आपको धमकी दे रही है, तो इस जरिए से भी आप उसकी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर किसी के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। जैसे दूर आप उसको छुपा दो और मोबाइल या किसी भी जरिए से उसमें मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, आप अपने मोबाइल को वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर लगा के और यहाँ पे रख सकते हैं जेब के अंदर, जिससे उसकी वॉइस वगैरह भी रिकॉर्ड हो जाएगी। या फिर कॉल के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो कॉल के जरिए से आप उसकी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। तो इस जरिए से आप मतलब सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर वो धमकी दे रही है तो इस जरिए से आपको मतलब ये एविडेंस कलेक्ट करने हैं। दूसरा आपको ये देखना है कि जो आस पड़ोस वाले हैं उनको गवाह यहाँ पे बनाना है। गवाह वो बनेंगे क्योंकि वो एक्टिविटी देखते हैं कि पड़ोस के अंदर क्या हो रहा है, पड़ोस के अंदर हो रहा है या फिर रास्ते में वो किसी के सामने धमकी वगैरह दे रही है, तो वहाँ पे आपके जानकार है तो उनको गवाह बनाइए। इस जरिए से आपको मतलब गवाह भी बनाने हैं और एविडेंस भी बनाने हैं। अगर आप इन सभी को बना लेंगे तो भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अगर वो बार बार धमकी दे रही है, वो एक्टिविटी करती है, जैसे खुद कोई भी एक्टिविटी करती है, तो यहाँ पे 112 नंबर के ऊपर कॉल करके आप पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे जो भी एक्टिविटी हो अगर वो करती है घर के अंदर, तो 112 के ऊपर आप इन्फॉर्म कीजिए। वो सिविल ड्रेस में भी आ सकते हैं और उस एक्टिविटी को जैसे पड़ोसी बन के भी वो देख सकते हैं, तो यहाँ पे वो क्या है कि वो खुद के जाल में खुद ही फंस जाएगी पत्नी। तो ये भी आप कदम उठा सकते हैं, ये स्टेप भी आप अपना सकते हैं। या फिर SSP को एक कंप्लेंट लिखिए और उस कंप्लेंट में पूरी डिटेल लिख दीजिए कि ऐसे ऐसे ये व्यवहार कर रही है पत्नी और यहाँ पे वो बार बार धमकी दे रही है, और जो भी एविडेंस है वो एविडेंस भी साथ में आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे SSP के पास में भी कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट के द्वारा भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप यहाँ पे सुरक्षित हो जाएंगे। अगर वो फ्यूचर के अंदर कोई भी फेक केस आपके ऊपर करती है, फॉल्स केस करती है, फॉल्स एलिगेशन लगाती है, तो यहाँ पे उसके केस नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि पहले आप उसके ऊपर केस कर दिए हैं, क्योंकि गलती उसकी है, आपने पहले ये स्टेप अपना लिए, उसके ऊपर आपने पहले ही केस कर दिए हैं। तो अगर वो फ्यूचर के अंदर केस करती है तो यहाँ पे उसकी सोची समझी साजिश मानी जाएगी और यहाँ पे आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो पहले आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, इस जरिए से SSP के पास में कोर्ट के द्वारा भी कंप्लेंट केस उसके ऊपर कर सकते हैं, जो भी एविडेंस वगैरह हम उनको लगा के आप उसके ऊपर केस वगैरह कर सकते हैं, जिससे है ना कि भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।